pixelexpress.com. Create video online. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं भीम और आप देख रहे हैं ट्रिकी नंबर वन। तो ट्रिकी नंबर वन में स्वागत है सभी बहनों का, सभी भाइयों का, सभी माताओं का। तो जैसा कि आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, आप देख पा रहे हैं टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी लिखा है आपके डेस्कटॉप पर। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। आज हम आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आए हैं, बहुत ही बढ़िया न्यूज़। बिना परीक्षा के अगर आप नौकरी चाहते हैं, भाई वीडियो को पूरा देखें और समझ पाएं कि कैसे क्या अवसर हैं जिससे आप नौकरी पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन रिलीज, इंक्रीज कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अप्लीकेशन फॉर्म दिस गोल्डन। यानी कि आपके लिए गोल्डन चांस है मेरे भाई, मेरे बंधु। तो बने रहिए वीडियो के साथ, तभी हम आपको बता पाएंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो सो आज का वीडियो आपके लिए है, स्पेशल है। और ये वीडियो इसलिए है मेरे बंधु कि इसमें आपका जो है बिना एग्ज़ाम के डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। तो क्या है प्रोसेस, पूरी प्रोसेस हम बताएंगे और आपको लास्ट में इसका लिंक भी देंगे। इस लिंक पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आप वीडियो तक बने रहें और पूरी जानकारी लेते रहें। तो चलिए देखते हैं एज क्या है और आयु सीमाएं, मतलब एज का मतलब होता वही आयु सीमाएं क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिक्वायर्ड एज, यानी कि हर उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी बिलो वैकेंसी कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस 18 ईयर ओल्ड। मतलब आपको 18 साल से, यानी कि जो 18 साल है उससे छोट आपको नहीं होना है। यानी कि आपको 18 से 40, यहाँ पर आप देख लीजिए मोर इन्फॉर्मेशन डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि आपको 18 से 40 के बीच में ही रहना है जब से ये वैकेंसी रिलीज्ड हुई है, मतलब कि आवेदन होने चालू हुई है। तो ये है एज के संबंध में जानकारी। और आगे जो है हम बता रहे हैं आपको, देखिए आपको लिखा है एज रिलेशनशिप अप्लाइड दिस कैंडिडेट फॉर उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट रूल्स एंड अप्लीकेबल। तो आपके सामने बहुत बड़ी ये बम्फर भर्ती है जैसा कि हम कह सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता का इसको भी देख लेते हैं भैया। शैक्षणिक योग्यता आपके सामने है 10th and 12th, यानी कि 10वीं 12वीं पास। और अगर आपको इसमें एक्चुअली तीन पोस्ट हैं, तो जिस पोस्ट में जैसा है उसके हिसाब से लिया जाएगा आवेदन। और हम अभी बताएंगे लास्ट में आपको कि कौन कौन से पोस्ट हैं, किसके लिए आवेदन करना है, कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है, पूरी जानकारी। और एंड में आपको एक लिंक भी बताएंगे, एक वेबसाइट भी बताएंगे जहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। और अगर आ रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये भैया आपको बता दें विलेज के लिए चैनल बना है, विलेज के नोटिफिकेशन के लिए चैनल बना है। यहाँ पर वही वीडियो बनाए जाते हैं जो आपके लिए ज़रूरत होती है, आपके लिए ज़रूरी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, कैसे प्रोसेस है, आप देख पा रहे हैं जनरल ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट नो डिक्लेयर। मतलब भैया अभी कुछ चीज़ का क्लियर नहीं हो पाया कितना फीस लगेगा। और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी अभी क्लियर नहीं कितना फीस लगेगा। यानी कि आप ये समझिए कि अभी फीस के बारे में कोई डिसाइड नहीं है। और इसको आप देने के लिए देखिए मेथड क्या है, कैसे कैसे कर सकते हैं। यानी कि आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश सर्विस, जो भी है जितने भी ऑप्शन हैं, यहाँ देखिए वॉलेट, यानी कि जो आप पेटीएम वॉलेट चलाते हैं, सब कुछ ऑप्शन मिलेगा, आप कहीं से भी इसको पे कर सकते हैं। अब आते हैं वेतन पे, आपको वेतन कितना मिलेगा, पूरी फुल जानकारी एक ही वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक, तभी आप पूरी जानकारी समझ पाएंगे। सो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अभी लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए, क्योंकि वैकेंसी बम्फर है। जितने लोगों तक संदेश जाएगी उतने लोग आवेदन कर पाएंगे और पक्का आसानी से सेलेक्ट हो पाएंगे। तो देख पा रहे हैं कि आपके पास पोस्ट, जैसे कि हमने पोस्ट की बात कर रहे थे, तो आपका असिस्टेंट वर्कर का पोस्ट है, आंगनवाड़ी वर्कर का पोस्ट है, और आप देख पा रहे हैं सुपरवाइजर का पोस्ट है। यानी कि तीन पोस्ट हैं और तीनों के स्किल आपके सामने दिए गए हैं। ये देखिए, ये जो भाई दिख रहा है ना, ये आप इसको जो है क्या समझिए, पेमेंट मत समझिएगा, ठीक है। ये आपका पेमेंट नहीं है भाई, ये स्किल है, ग्रेड होता है। ग्रेड का मतलब वो आपको मैं भी नहीं बता सकता, बहुत ज़्यादा नहीं जानता। तो आपका 5200 ग्रेड पे, मान के लिए 20,200 रुपये लगभग इसके लिए, यानी कि पे होगा। तो ये ग्रेड है, ये जो आप देख रहे हैं, ये 1800, 5000, ये सब आप जो है इसको क्या कहते हैं, पेमेंट मत समझिएगा, ये ग्रेड है। ग्रेड का अपना अलग सिस्टम होता है, उसको जानने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। फिलहाल आप जानिए कि 20,000 से एवं भी आपका पेमेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी आपको बताते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट पे स्किल, प्लीज़ विजिट ऑफिशियल वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका भाई एक आपको बता दें, लिंक मैं अभी आपको लास्ट में देने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पर देखिए वेबसाइट की बात कर रहा है कि ऑफिशियल वेबसाइट का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी कि आपका जो उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी पदों पर बम्फर भर्ती है, उसकी जो है वेबसाइट मैं अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल वीडियो के साथ बने रहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भाई, एक मिनट थोड़ा सा आप सही है। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं आंगनवाड़ी भर्ती पदों का विवरण क्या है, कौन कौन से पोस्ट हैं। ये आपको नॉट डिक्लेयर का मतलब ये होता है कि अभी पोस्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, कितना क्लियर होगा। तो ठीक है, जैसे जो भी कुछ क्लियर होगा हम वीडियो बनाकर प्रोवाइड करते रहेंगे। फिलहाल ये देखिए तीन पोस्ट हैं,
सुपरवाइजर का है, असिस्टेंट वर्कर का है और हेल्पर का है। तीन पोस्ट आपके सामने है और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण तिथियां आपके सामने हैं। ये देखिए ऑनलाइन प्रारंभ मतलब आपको 2021 दिया गया है, यानी कि आपका ये इसी दिसंबर माह से लेकर जनवरी यानी 2021 तक अप्लाई हो सकता है। तो जब अप्लाई होगा तभी तो इसका एंड डेट आएगा, तो इसी वजह से अभी इसका कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। और इधर देखिए एडमिट कार्ड अपडेट सून मतलब जल्द ही प्रोसेस इसका आ जाएगा। ये देखिए एग्ज़ाम का डेट भी है, एग्ज़ाम रिजल्ट सब अभी सून है, क्लियर नहीं हो पाया है। नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है तो हमने तुरंत आप तक सूचना पहुँचाने की कोशिश की है। और आपको बता दें जैसे भी जो भी नोटिफिकेशन होगा हम अलग अलग वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाते रहेंगे ताकि आपसे कोई भी सूचना छूटे ना। इसके लिए आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करना होगा ताकि और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन भी आप तक तुरंत पहुंचती रहे। और अगर आप चैनल से नहीं जुड़े रहेंगे तो इसमें आपका नुकसान है। सो गाइस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं। अब हम आपको बताने वाले हैं महत्वपूर्ण लिंक के बारे में जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। ये देखिए लिंक आपके सामने दिख रहा होगा, यहां पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी ये वेबसाइट ओपन नहीं हुई है क्योंकि अभी इसका लिंक जल्दी से खुल नहीं रहा। सो गाइस आपको करना क्या होगा कि सो गाइज जैसे ही लिंक एक्टिव होगी हम आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस पर कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यही जो मैं दिखा रहा हूँ यही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फिलहाल आपको क्या करना होगा, अभी थोड़ा सा वेट करना होगा और चैनल पे बने रहने की ज़रूरत है। जैसे अप्लाई की प्रोसेस आएगी, जैसे ही प्रक्रिया चालू होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे और आप चैनल से जुड़े रहेंगे तभी ऐसी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। आई होप आपकी वीडियो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिलहाल फिर मिलेंगे किसी और नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद सभी मित्रों का दिवस शुभ हो।